हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी टीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन ध्यान देते हैं, क्या कहना चाह रहा है, डिफाइन कैसे करते हैं। fx इक्वल टू a रेज़ टू पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक, ये सारी कंडीशंस हैं, समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये एक ए ग्रेटर देन जीरो क्यों कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। ए ग्रेटर देन जीरो मतलब कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब टू रेज टू पावर एक्स, थ्री रेज टू पावर एक्स ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, या फिर वन बाई टू रेज टू पावर एक्स ऐसा भी समझ लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब ये भी हम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, लेकिन क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन जीरो बोल रहे हैं हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते। सपोज मैंने माइनस टू ले लिया, माइनस टू रेज टू पावर एक्स, ये वैलिड है कि नहीं समझते हैं। अगर मैंने माइनस टू रेज टू पावर टू ले लिया तो ये क्या हो गया, फोर। अगर मैंने माइनस टू रेज टू पावर थ्री ले लिया तो माइनस एट, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रियल नंबर्स ही आए हैं। लेकिन सपोज अगर मैंने माइनस टू रेज टू पावर, ठीक है, माइनस टू रेज टू पावर अगर मैंने थ्री बाई टू ले लिया तो ये क्या है, माइनस टू रेज टू पावर वन प्लस वन बाई टू। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है समझो, है ना। ये माइनस टू तो ठीक है, और ये वन बाई टू मतलब ठीक है, अंडर रूट ऑफ माइनस टू। ये कैसा आ गया, अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी पॉसिबल है क्या? अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी मतलब कैसा, इमेजनरी क्वांटिटी हो गई। अगर इमेजनरी है तो रियल नंबर तो हुआ नहीं, है ना। अगर रियल नंबर नहीं हुआ तो ये कैसा, वैलिड नहीं है ना। तो हम लोग ये जो भी वैल्यू ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ए ग्रेटर देन जीरो कहा गया है। आई होप आपको चीजें क्लियर भी होगी। अब ए नॉट इक्वल टू वन ये क्यों कह रहा है, ये तो बहुत आसान है ना। अगर समझो, ठीक है, वाई इक्वल टू, ठीक है, वन रेज टू पावर एक्स करता हूँ, तो एक्स की किसी वैल्यू के लिए ये तो हमेशा, ठीक है, वन ही होगा, तो ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलने की जरूरत ही नहीं। तो इस केस को भी एलिमिनेट कर दिया कि ए नॉट इक्वल टू वन ले लिया तो कॉन्स्टेंट फंक्शन ना होकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर है। और एक्स की वैल्यू हम कोई सी भी ले सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी कोई वैल्यू। आई होप आपको तीनों कंडीशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तब दो केस बन सकते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो है तो, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो में दो केस बन सकते हैं। ठीक है, पहला केस क्या है, ए ग्रेटर देन वन हो सकता है, और दूसरा एक ऐसा जीरो से वन के बीच हो सकता है। ठीक है, समझते हैं इसको। ठीक है, ग्राफ भी देखेंगे, दोनों केस में डिफरेंट ग्राफ बनते हैं। ठीक है, वाई रेज टू वाई इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है, अगर ठीक है ए ग्रेटर देन वन है, और ठीक है ए की वैल्यू जीरो से वन है। ठीक है, समझेंगे क्या क्या अंतर है। ए ग्रेटर वन मतलब जैसे समझो मैंने टू ले लिया, टू रेज टू पावर एक्स, है ना, ए की वैल्यू टू ले लिया, यहाँ पे ए की वैल्यू मैं वन बाई टू ले लिया। ठीक है, तो सपोज मैं एक्स की वैल्यू डाल सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करता हूँ, टू रेज टू पावर वन तो टू ही है, टू रेज टू पावर टू फोर हो गया, ये टू रेज टू पावर वन टू, टू रेज टू पावर टू फोर, टू रेज टू पावर थ्री एट, ये कैसे वैल्यू कैसे इंक्रीज होती जा रही है ना। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं वन वन बाई टू रेज टू पावर एक्स में, ठीक है, वन बाई टू रेज टू पावर वन तो वन बाई टू ही है, वन बाई टू रेज टू पावर टू किया वन बाई फोर, ठीक है, वन बाई टू रेज टू पावर थ्री डालूंगा क्या वन बाई एट आएगा, तो वैल्यू कैसे डिक्रीज होती जा रही है ना। ठीक है, मतलब कैसे एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है इसमें, इस केस में, और इस केस में एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। देखो अगर वन लिया टू है, टू लिया फोर लिया थ्री, थ्री लिया तो एट आया, ठीक है, मतलब कैसे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन वन में ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ए ग्रेटर देन वन में ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, देख लेते हैं। ठीक है, ये ए ग्रेटर देन वन का केस बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ग्राफ कैसे बनेगा ऐसा। ठीक है, ये, ठीक है, ये ए ग्रेटर देन वन का केस, ये कट कहाँ पे करेगा, वाई एक्सिस को जीरो कॉमा वन पे, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं जीरो लेता हूँ, ठीक है, x के लिए जीरो लेता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी वाई की, ठीक है, समथिंग रेज टू पावर जीरो वन ही होता है। ठीक है, तो जीरो कॉमा वन ऐसे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग इस केस में ग्राफ बनाते हैं, a की वैल्यू जब जीरो से वन के बीच है तब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तब ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तब कैसा ग्राफ कैसा डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब है ना, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है, वाई की वैल्यू घटनी चाहिए, तो कैसे बनेगी, ऐसा बनेगा। अभी भी ये कट कहाँ पे करेगा, जीरो कॉम वन पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ एक ग्रेटर देन में ऐसा, ठीक है, ये हमने दिखा दिया,
और 0 से 1 में ऐसा, ये भी हमने दिखा दिया। ये दोनों में एक ही और हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। y की वैल्यू हमेशा 0 से इन्फिनिटी है, देखो ये 0 से है ना, ठीक है, इस हमेशा ऊपर ही है, मतलब x एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, इसे भी हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ दोनों के समय, क्या बोल सकता हूँ, y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी बोल सकता हूँ, ठीक है, इधर लिखता हूँ, है ना, y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। एक चीज और, x की वैल्यू क्या से क्या ले रहा है, x के लिए तो पूरी ले रहा है, x बिलोंग्स टू r हमने ध्यान भी दिया था, लिखा भी कंडीशन में, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होगी, है ना, ग्राफ भी क्लियर होगा दोनों चीज, ठीक है। आगे समझते हैं, लॉगरिथम फंक्शन समझते हैं, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन क्या कह रहा है, डिफाइन कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस के, इसको बेस पढ़ा जाता है ना, लॉग एक्स बेस के, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये सारी भी कंडीशन है, समझते हैं क्या है, पहले लॉगरिथम फंक्शन का यूज समझ लेते हैं ना, यूज क्या लॉगरिथम का। सपोज 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर आप बता देंगे कि 9 है ना, अगर 5 का क्यूब ले लूँ आप बता देंगे कि 125 है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा 7 raised to power 1/3 सपोज, है ना, तो इसकी वैल्यू आप, ठीक है, थोड़ा सोचने लग जाएंगे ना, तो ऐसी वैल्यूज के लॉग, है ना, लॉग का यूज किया जाता है। जनरली ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 20 raised to power मैं 31 ले लूँ तो इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो इसके लिए भी लॉग यूज किया जाता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इनका यूज करने के लिए, है ना, इनकी कैलकुलेशन के लिए लॉग का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, सपोज जैसे 3 raised to power 5, ये क्या होता है, अपने को पता है ना, 243 होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं लॉग लेता हूँ इनका, ठीक है, इसका लॉग लेता हूँ, इसको सपोज वाई मान लिया, तो लॉग वाई, ठीक है, अभी प्रॉपर्टी तो पता नहीं है, लेकिन है ना, फिर भी ध्यान रखो, जब भी लॉग लेता हूँ लॉग 3 raised to power 5, ये 5 सामने आ जाता है, तो 5 log 3, ठीक है। अब log 5 log 3 क्या होता है, जनरली 5 log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, ठीक है। तो 5 into 0.4771 क्या होगा, 5 into 0.4771 2.385, ठीक है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इस आसपास वैल्यू आएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इधर और भी वैल्यू होगी, मैं, ठीक है, पूरी वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट जाना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे समझो ना, ये जो जो लॉग होता है, जनरली लॉग लिख रहा है तो बेस हमेशा 10 लेते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जनरल आइडिया आप ले लीजिए, ठीक है। तो इधर क्या है, ये लॉग 10 बेस 10 लॉग वाई बेस 10, ठीक है। अब जनरली हमको तो वाई की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए 3 raised to power 5 चाहिए, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, ये 10 इधर आता है ना, ठीक है, y इक्वल टू 10 raised to power 2.385 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है, देख लेते हैं, इसकी वैल्यू आती है 242, है ना, 242.66 और कुछ बता रही है, ठीक है, बेसिकली 243 आ जाएगी। मैंने बाकी पॉइंट्स नहीं लिए हैं इसलिए इतना शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है कैलकुलेट करने का अपना, ठीक है, लॉग का यूज ऐसे। ये मैंने यही वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है तो ये, ठीक है, शो करने भी इजी पड़ रहा है ना, ठीक है। जनरली आप इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एक तरीका मैंने बताया। तो समझते हैं ये है क्या लॉग, है ना, बेसिक इसको डिफाइन कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए है, जहां पे क्या बोल रखा है, ए ग्रेटर देन 0, है ना, x ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, ये सारे कंडीशंस दिए हैं। ऐसा क्यों दिया है समझते हैं, बेसिकली इसको पहले समझो, है ना, अगर y इक्वल टू log x बेस a लिखा है तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, कैसे कन्वर्ट करता हूँ समझो, ये जो बेस है बेस a, ये इधर जाएगा, है ना, अपोजिट तरफ, और ये y जो है उसके पावर में आएगा, ठीक है। तो ये a, ये जो भी था, ठीक है, वाई था यहाँ पे, तो वाई इसके पावर में आ गया, और इधर ये लॉग एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा है, अगर लॉग एलिमिनेट करना है तो ये इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, और ये जो भी होगा इस तरफ, ना, जैसे वाई है इस तरफ, है ना, लेफ्ट में, ठीक है, तो वो, ठीक है, बेस के पावर में डाल दीजिए, बेस ए था तो ए के पावर में वाई, और ये लॉग हटा इधर तो क्या बचा है, एक्स बचा है, तो एक्स, ठीक है।
ए रेस टू वाई इक्वल टू एक्स नजर आ रहा है अपने को, ठीक है। अभी समझो, थोड़ी देर पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था, ठीक है, वाई इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स देखा था हमने, ठीक है, ये एफ एक्स लिखा था, एफ एक्स को मैं वाई बोल सकता हूँ, है ना। तो देखो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है, एक्स और वाई इंटरचेंज हुए हैं, ठीक है, जहाँ एक्स है वहां पे, यहाँ पे, ठीक है, एक्स की जगह वाई है और वाई की जगह एक्स है, दिख रहा होगा आप लोगों को, मतलब क्या एक्स और वाई इंटरचेंज हुआ है, मतलब ये एक दूसरे के, ठीक है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, मिरर इमेज है, मैं दिखाऊंगा, ग्राफ से भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, ए को, ठीक है, इधर ले जाइए और ये इधर जो भी होगा ये वाई है ना, ठीक है, वाई को उसके पावर में, ये बेस ए, ए के पावर में ले जाइए इक्वल टू एक्स, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, है ना, ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं ये ए ग्रेटर देन जीरो क्यों बोल रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो क्यों बोलता है। देखो यहाँ पे है, हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ये जो भी था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेट करो, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन जीरो थी, है ना, ग्रेटर देन जीरो रखे थे, नॉट इक्वल टू वन तो रखे ही थे, आपको याद होगा नॉट इक्वल टू वन तो रखे ही थे। और ये एक्स ग्रेटर देन जीरो क्यों हो रहा है, इसके जगह क्या था, वाई था, है ना, ठीक है, एक्स के जगह क्या था, वाई था, और वाई हमने देखा है, ठीक है, देखो वाई हमने क्या देखा था, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी मतलब वाई ग्रेटर देन जीरो, और एक्स वाई इंटरचेंज ही तो हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई इंटरचेंज ही तो हुआ है, ठीक है, अगर वाई बिलोंग टू जीरो टू इन्फिनिटी मतलब जीरो से बड़ी है ना, तो जीरो से बड़ी क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एक्स ग्रेटर देन जीरो बोला है, उसमें वाई ग्रेटर देन जीरो आ गया था, ठीक है, समझो यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू वाई होता, ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई थी, y ग्रेटर देन जीरो आया था, तो ये सिमिलर ही तो है, y की जगह x आ गया है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, बेसिकली फंक्शन सेम ही है, देखा जाए तो अंतर नहीं है, ठीक है, ग्राफ देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। अभी आप ये कन्वर्जन ध्यान रखिए, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है, चलिए ग्राफ देख लेते हैं इसका, फिर से मैं कन्वर्जन लिखता हूँ, है ना, जितना रिपीट हो उतना अच्छा है, log x बेस a, ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, फिर बता रहा हूँ मैं, a को इधर भेजिएगा, है ना, बेस को, ठीक है, इधर जो भी होगा ये y है, तो ये क्या आएगा, उसके पावर में आएगा a रेज़ टू पावर y इक्वल टू, ठीक है, ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो अब मैंने क्या बता रखा था, एक्सपोनेंशियल में एक ही दो केस है, या तो a ग्रेटर देन 1 होगा या तो a 0 से 1 के बीच होगा, है ना, समझते हैं क्या होना है, यहाँ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ कैसे बना था, y रेज़ टू, ठीक है, y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x ऐसा बना था, है ना, ये कहाँ पे कट किया था, जीरो से जीरो कॉमा वन पे, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो एक्सपोनेंशियल नहीं है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ए रेज टू पावर x, देखो इसमें x और y इंटरचेंज हुआ है, इसको और इसको कंपेयर करो, अगर इंटरचेंज हुआ है मतलब मिरर इमेज होगा एक दूसरे का, मतलब इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ अगर 0 कॉमा 1 पे कट किया है तो log कहाँ पे कट करेगा, 1 कॉमा 0 पे, और कैसा बनेगा इसका मिरर इमेज, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में बना दीजिए, y इक्वल टू ये x लाइन, इसके रेस्पेक्ट में इमेज कैसा बनेगा, रेस्पेक्ट में इमेज दिखा देते हैं, पहले y इक्वल टू ये x लाइन, ठीक है, और ये ऐसा, तो ये 0.1, तो ये 1.0 पे इंटरसेप्ट करेगा, ये 0.1 का मिरर इमेज है 1.0 पे आएगा y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में, y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या होगा, x और y इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो ये y इक्वल टू log x तक रहा है, ठीक है, और 0, ठीक है, ए की वैल्यू जब 0 से 1 में है तो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हमने देखा था ग्राफ कैसा था, ऐसा था, ये 0.1 था, ठीक है, तो y इक्वल टू x लाइन बना दीजिए, ये y इक्वल टू x लाइन, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इमेज कैसा, ये जो लाइन है ना, कैसा बनेगा, ऐसा बनता चला जाएगा ना, ठीक है, इसका इमेज, तो ये 0.1 है तो ये 1.0, ठीक है, आई होप ग्राफ क्लियर हुआ होगा, ठीक है,
अभी ध्यान देते हैं लॉग में, है ना, एक चीज और देखने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। लॉग का ग्राफ पॉजिटिव एक्स में ही बन रहा है ना, पॉजिटिव एक्स में ही बन रहा है, नेगेटिव तरफ नहीं बन रहा, तो इसलिए एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी यहाँ पे, है ना। और ये तो एक्सपोनेंशियल से रिलेट करके हम समझे थे ये ग्रेटर, ठीक है, ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है और ये नॉट इक्वल टू वन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था उसी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे y इक्वल टू log x बेस a है, ठीक है, तो ये इधर एक मतलब कैसा बनेगा, a रेज टू y इक्वल टू x, ऐसा कन्वर्जन करेंगे हम लोग, तो देखते हैं बेसिकली। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे इसको, इसको मैं क्या ले लूँ, इसको x ले लेता हूँ, तो इसको कैसे ले सकते हैं, ये 5 इधर जाएगा, तो 125 इक्वल टू 5 रेज टू पावर x। ठीक है, तो 5 की क्या वैल्यू डालूंगा, 5 रेज टू x में x की क्या वैल्यू डालूं कि 125 आएगा, या तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब और ये 5 रेज टू x, अब कंपेयर कर लो। ठीक है, अगर कंपेयर कर लोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ से, x इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो आप सीधे भी सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं 5 के पावर में क्या रखूं कि 125 आ जाए। ठीक है, ऐसे आप सीधे भी सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट 2 के पावर में क्या रखें कि 4 आ जाए, आप ऐसे सीधे सोच सकते हैं। चलो बेसिक से ही चलते हैं। ठीक है, इसको भी x मान लीजिए, तो क्या ले सकते हैं, 4 इक्वल टू रूट 2 रेज टू पावर x। ठीक है, रूट 2 को मैं, है ना, ठीक है, रूट को अगर बाहर ले लो तो 2 रेज टू पावर x बाई 2 हो गया। ये 4 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 स्क्वायर ले सकता हूँ, कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, x बाई 2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 4। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई है, ये बेसिक एग्जांपल्स मैंने ये, ठीक है, समझाने के लिए दिया है। ठीक है, ये समझते हैं। ठीक है, 7 के पावर में ऐसा क्या रखूं कि 1 आ जाए, है ना, 7 के पावर में ऐसा क्या रखूं कि 1 आ जाए। ठीक है, या तो इसको भी x ले लीजिए। ठीक है, अगर इसको भी x लेते हो आप, ठीक है, तो 1 इक्वल टू 7 रेज टू पावर x, x की वैल्यू ऐसा क्या रखूं कि 1 आ जाए, तो 7 रेज टू पावर 0 रखूंगा तो 1 आएगा, सीधे दिख रहा है x इक्वल टू 0। आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, log 1 by 3, ना log 3 base 1 by 3, 1 by 3 के पावर में ऐसा क्या रखूं, है ना, ठीक है, 1 by 3 के पावर में ऐसा क्या रखूं कि 3 आए। ठीक है, आप कॉमन से सोच रहे होंगे कि माइनस 1 रख सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो ही मैं बता सकता हूँ, इसको x ले लीजिए। ठीक है, ये सेम तरीका आप यूज कीजिएगा, है ना, आ जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहा है आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हमने इधर भी देख लिया, क्या प्रॉपर्टी देख लिया समझते हैं। जैसे ये है ना, जैसे log 1 है ना, log 1 बेस 7 है, ये क्या हो रहा है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई थी, 0 आ गई थी, है ना। मतलब ये प्रॉपर्टी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको एक प्रॉपर्टी यही लिख देता हूँ, log 1 बेस a। ठीक है, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो आप ये रखें, मतलब यहाँ पे जब भी 1 होगा तो जो a के पावर में ऐसा क्या रखूँ कि 1 है, a के पावर में 0 रखूँगा तो 1 आएगा, तो ये हमेशा 0 होगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, log 5 बेस 5, है ना, तो 5 के पावर में ऐसा क्या रखूँगी, 5 है, तो 1 ही रखूंगा तभी 5 आएगा, है ना। तो आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रख सकते हैं कि log a बेस a ये 1 होता है। ठीक है, और एक चीज आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, log a 1 बाई a, है ना, बेस 1 बाई a, अभी हमने देखा 3 और 1 बाई 3 में क्या आया था, माइनस 1। ये तीन प्रॉपर्टी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर्टीज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। जनरली होता क्या है, log mn, है ना, log mn टू n, log m प्लस log n, अगर बेस सेम है तो, है ना, बेस सेम है यहाँ पे, देखना बेस की है तीनों का। और सिमिलरली log m बाई n है, ठीक है, तो log, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा मेरे से, ठीक है, लिखने में गलती होगी। ठीक है, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, और ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, log m रेज टू पावर अल्फा है, तो अल्फा सामने आ जाएगा। ठीक है, ये अल्फा अगर जब भी ऐसा होता है तो अल्फा सामने आ जाएगा, और ये log m, ठीक है, बेस सेम ही है। और सिमिलरली अगर बेस में पावर है, ठीक है, यहाँ देखो अगर, ठीक है,
ये जो वैल्यू थी है ना, इसमें अगर पावर थी तो ये सामने मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन अगर बेस में पावर है तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है बीटा, ठीक है ये बीटा डिवाइड हो रहा है, दिखा होगा। ठीक है अगली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एम बेस एन है, तो इसको मैं लॉग एम बाई लॉग एन ले सकता हूँ, बेस अपने से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है और ये प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ए और सी इंटरचेंज हो रही है, ध्यान दो, ठीक है ए और सी इंटरचेंज हो रही है, ये सारी हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है चलिए देखते हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी है ना, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, ठीक है तो log m बेस a को मैंने x ले रखा है, तो यहां से m क्या लिखूंगा, ये a इधर जाएगा तो a रेज़ टू पावर x ऐसा हो गया, और सिमिलरली log n बेस a इक्वल टू मैंने y ले रखा है, तो यहां से मैं क्या लिखता हूँ, n इक्वल टू a रेज़ टू पावर y है ना, ये दो चीजें हमें मिल रही है। ठीक है आगे समझते हैं, यहाँ पे क्या है m इंटू एन है, तो मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, m इंटू एन निकालने की कोशिश करता हूँ, m इंटू एन क्या लिखूंगा, ए एक्स इंटू ए वाई, तो यहाँ से ए रेज़ टू पावर x प्लस वाई। ठीक है अगर मैं अब लॉग लेने की कोशिश करूँ, समझो है ना, अब उल्टे जाने की कोशिश करना, ठीक है ये a इस तरफ आया है ना, देखो अगर अगर इस पे लॉग होता, लॉग होता तो ये a, ठीक है इसके बेस में होता, तो लॉग इसके बेस में होता तो ऐसा, और ये एम एन, ठीक है और यहाँ क्या x प्लस वाई ऐसा है ना, तो x क्या था log m बेस a था, और y क्या था log n बेस a था, तो प्रूफ हो गया हमारे हमारा पहले प्रॉपर्टी, क्या वो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है इजी है, ठीक है ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, जो मैंने यूज किया है पहली प्रॉपर्टी उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है उसका यूज करके ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे से गलती हो गई है, ये माइनस है ना, ये भी सिमिलर है, इसको x लिए थे, इसको y लिए थे, तो क्या आया था log m बेस a इक्वल टू x लिए थे, ठीक है तो क्या आ गया था m इक्वल टू a रेज टू पावर x आ गया था, ठीक है a को हमने इधर ले लिया था, और log a रेज टू पावर n को अगर y लिया है तो ये a इधर आएगा, तो n इक्वल टू a रेज टू पावर y ये लिया था। अभी अगर मैं m by n, यहाँ पे m by n है, तो अगर मैं m by n निकालना चाहूँ तो m by n क्या लिखूंगा, a रेज टू पावर x डिवाइड बाई a रेज टू पावर y, तो इसको क्या कर सकता हूँ, a रेज टू पावर x माइनस y लिख सकता हूँ। अभी समझो अगर इस पर लॉग लेता तो ये जनरली, ठीक है इससे कंपेयर करो, ठीक है ये a है ना, यहाँ पे log m बेस a, a इधर गया तब ऐसा है, अगर इस पर लॉग लेता तो ये a पीछे जाएगा, तो ठीक है लॉग लूंगा तो ये इसके लॉग में आएगा, बेस यहाँ पे आएगा m बाई एन ऐसा होगा, और ये x माइनस वाई होगा। ठीक है तो ये प्रॉपर्टी आ गई, देखो x की वैल्यू क्या है log m बेस a, y की प्रॉपर्टी क्या है log y की वैल्यू log n बेस a, देखो वैल्यू आ गई। ठीक है हमने कन्वर्जन देखा था, ये कन्वर्जन जो किया है, ठीक है अगर ये समझ में आया तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है ये प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है log m बेस a, ठीक है अगर m रेज टू अल्फा है तो ये अल्फा सामने आ जा रहा है, देखो ये सामने आ गया है। ठीक है तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं ना, log m बेस a इक्वल टू x मान लिया मैंने, तो यहाँ से m क्या लिख सकता हूँ, a रेज टू पावर x लिख सकता हूँ है ना, तो अपने को क्या यहाँ पे m अल्फा पूछ रखा है, तो m रेज टू पावर अल्फा क्या लिखूंगा, a रेज टू पावर x होल रेज टू पावर अल्फा हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a रेज टू पावर अल्फा x है ना, तो m अल्फा हमारे पास क्या आ गया, m अल्फा इक्वल टू a रेज टू पावर अल्फा x ऐसा आ गया है। अगर मैं अब log लूंगा तो ये a जो है, जो ये बेस में होना चाहिए था इधर कहीं है ना, तो log, ठीक है बेस a m रेज टू पावर अल्फा क्या आ गया, अल्फा x आ गया, तो अल्फा x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू देखो ये थी log m बेस a, देखो प्रूव हो गया है ना, ठीक है ये अल्फा सामने आ गया, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान देते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी सिमिलर ही है ना, इसमें क्या बेस पे है ना, इसे बेस के पावर पे बीटा है, तो ये बीटा सामने आ जा रहा है, ठीक है 1 बाई बीटा डिविजन में आ जा रहा है। ठीक है
देखते हैं, अब इसको मैं एक्स ले लेता हूँ और इस चीज को मैं वाई ले लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं, लॉग एम बेस ए रेज टू बीटा इक्वल टू, मैंने एक्स ले लिया तो यहां से क्या होता है, ये जो भी है ना, ये जो भी है इधर जाएगा, एम इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, ए बीटा ए रेज टू बीटा और रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर बीटा एक्स ऐसा ले सकता हूँ मैं। चलो ये तो ठीक है, पहला ही क्वेश्चन। अगर मैंने इसको वाई लिया है, मतलब log m बेस a इक्वल टू y लिया, तो a इधर चला जाएगा, तो अब क्या ले सकता हूँ मैं, m इक्वल टू a रेज टू पावर y, ये दूसरा इक्वेशन। तो ये भी m है, ये भी m है, पहला दूसरा इक्वेशन दोनों सेम है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, a रेज टू पावर बीटा x इक्वल टू a रेज टू पावर y। अभी देखो अगर कंपेयर करूँ तो दोनों a है, तो बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूंगा तो बीटा x इक्वल टू y ले सकता हूँ, तो x इक्वल टू क्या, 1 बाई बीटा y, तो ये x था 1 बाई बीटा y आ गया, देखो ये x इक्वल टू 1 बाई बीटा y प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, log m बेस n इक्वल टू log m बेस a बाई log n बेस a, है ना, ठीक है। मतलब बेस हम अपने से कुछ भी ले सकते हैं, समझते हैं, है ना, इसको कुछ मान लेते हैं ना, इसको x मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, तो होगा क्या, log m बेस n इक्वल टू x मान लिए, ये n इधर जाएगा, n इक्वल टू क्या हो गया, m रेज टू पावर x, अपने क्या बोला है, यहाँ पे देखो m में log लिया गया है बेस a, तो log ले लेते हैं, log m बेस a ले लिया, तो इधर भी लेंगे, बोथ साइड अगर एक तरफ भी दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा, log n x बेस a। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, है ना, थोड़ी देर पहले, कि अगर कुछ पावर में होता है, ठीक है, तो ये सामने आ जाएगा, तो x log n बेस a, ना, log a बेस m, तो यहाँ से x क्या आ गया, इस चीज को मैं अगर डिवाइड कर दूं, तो log m बेस a डिवाइड बाई log n बेस a, देखो प्रूफ हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, ये काफी इजी है ना, ये तो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, क्वेश्चन काफी इजी पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। ये आपको ऐसे तुरंत ध्यान रखने का भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक है, अगर और क्लियरिटी मिले इससे बता रहा हूँ, तो ये ऐसे ही ध्यान रखने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कर सकते हैं, है ना, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको ठीक है, इसको एक्स मान लिए फिर से, अब लॉग लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, लॉग एक्स लिया, तो यहाँ पे ठीक है, अब जो भी पावर में होता है हमने, ठीक है, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने प्रूव की वही सब यूज करना है, ठीक, इसको अगर मैं आगे ले आऊँ तो क्या आएगा, log c बेस b log a, ऐसा हो गया, ठीक है, अगर इधर log लगाया तो इधर भी log लगेगा, ठीक है, या चलो बारीकी से समझो ना, स्टेप बाई स्टेप समझाता हूँ, अगर इधर log लिया हूँ तो log a रेज टू पावर लॉग सी बेस बी, ये क्या है पावर में, तो ये सामने आएगा, सामने आएगा, क्या लिख सकते हैं, लॉग सी बेस बी इंटू लॉग ए, ऐसा लिख सकता हूँ, ये लॉग एक्स, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, ठीक है, लॉग सी बेस बी है तो लॉग सी बाई लॉग बी लिख सकता हूँ इसको, इंटू लॉग ए, है ना, अभी समझो ये लॉग सी को मैं रहने देता हूँ, log a बाई log b दिख रहा है, तो इसको मैं क्या log a बेस b ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है, अभी पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा था log m बेस n है, log m बाई n वही यूज कर रहा है, ठीक है, और ये log x, तो ये क्या नजर आ रहा है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको मैं अगर इधर भी लिख लूँ, ठीक है, समझो log x इक्वल टू, ठीक है, log c चलो इधर ही रख लेते हैं, फिर log a बेस b, अगर मैंने ऐसा रख लिया, अगर इससे मैं log एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ, ये समझो ये अगर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, a बेस b जो भी है, ये इसके पावर में आ सकता है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ log c, ठीक है, log a बेस b ऐसा भी लिख सकता हूँ, log x, अगर यहाँ से मैं log हटाऊँ तो दोनों तरफ से log हटेगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, e रेज टू पावर log a बेस b, देखो x की वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए थे हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेके शुरू किए थे, राइट हैंड साइड लेके आ गए हम लोग, ठीक है, इसीलिए इसमें हो क्या आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, सी
और ये ए इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं ना, ठीक है। चलिए चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ग्रेटर पूछ रहा है अपने से, है ना, लॉग 5 बेस 3 और लॉग 49 बेस 9। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है जब भी, है ना, तो सबसे पहले तो आप बेस सेम करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ बेस क्या है, 3, यहाँ पे बेस 9 है, तो ठीक है, ये बेस 9 को बेस 3 हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉग 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर, है ना, लॉग बेस ऑफ 9 को बेस ऑफ 3 स्क्वायर लिखता हूँ, 49 को भी 7 स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है। अपने को पता है ये सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये बेस भी ठीक है बेस के पावर में रहता है, वो डिवाइड में आता है, हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में देख रखा है। तो ये 2 सामने आ गया, ये 2 भी डिवीजन में आ गया, और लॉग 7 बेस 2, ये 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, लॉग 7 बेस 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग 7 बेस 2, सॉरी ये 3 था बेस में, ठीक है, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। ऐसा आपको चीजें क्लियर हो गई। तो अब देखो अपने पास अब क्वांटिटी क्या क्या रहेगी, लॉग बेस 5, लॉग 5 बेस 3 एंड लॉग 7 बेस 3। देखो बेस 3 बेस 3 तो सेम है, अंतर किसका है, 5 और 7 का, ठीक है। अभी हमने देख रखा है लॉग एक्स बेस ए, बेस कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग होता था, है ना, याद आ रहा हो, मतलब एक्स जैसे जैसे बढ़ रही थी वाई की वैल्यू बढ़ रही थी। तो इसमें देखो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, एक्स की वैल्यू, ये 7 वाली बढ़ी है, तो कौन बड़ा होगा, एक ऑब्वियस बात है ये ही बड़ा होगा, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो एक्स की जो, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू हमारा बड़ा होगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 125, ठीक है, लॉग एक्स अंडर रूट ऑफ 125 लिख सकते हैं, ये 5 का क्यूब है 125, और बाहर अंडर रूट लगा है, तो 5 रेट टू पावर 3 बाई 2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 4 बाई 3। तो ये 3 बाई 2 जो है ये डिवीजन में आएगा बाहर, तो डिवीजन में आएगा ये 2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई 3 बाई 2, तो मैं 2 बाई 3 लिख सकता हूँ, लॉग एक्स बेस 5 इक्वल टू 4 बाई 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, है ना, 4 कैंसिल, 2 बचेगा, ये 5 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, काफी जी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है ना सॉल्व कह रहा, ठीक है, लॉग 3 बेस 2 को मैं जान सकता हूँ, जनरली लॉग 3 बेस 2, लॉग 4 बेस 3, लॉग 5 बेस 4 इंटू लॉग 6 बेस 5 इंटू लॉग 7 बेस 6 इंटू लॉग 8 बेस 7 ऐसा दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। लॉग 3 बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 3 बाई लॉग 2 लिख सकता हूँ, हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख रखा था, लॉग एम बेस एन को लॉग एम बाई लॉग एन लिख सकते हैं। सिमिलरली लॉग 4 बेस 3 को लॉग 4 बाई लॉग 3 लिख सकता हूँ, इंटू लॉग 5 बेस 4 को लॉग 5 बेस लॉग 5 बाई लॉग 4, और लॉग 6 बेस 5 को लॉग 6 बाई लॉग 5, ऐसे ही मैं कंटिन्यू चलता चला जा रहा हूँ, लॉग 8 तक है तो लॉग 8 बाई लॉग 7, ठीक है, इस क्वांटिटी को लिखते हैं। अब देखो क्या क्या डिवीजन में कंटिन्यू, लॉग 3, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, लॉग 4 लॉग 4 कैंसिल, लॉग 5 लॉग 5 कैंसिल, लॉग 6 लॉग 6 कैंसिल, लॉग 7 लॉग 7 कैंसिल, तो क्या क्या बचा, लॉग 8 बाई लॉग 2। लॉग 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 बेसिकली क्या है, लॉग 8 2 का क्यूब है, ये 3 सामने आ जाएगा, अभी प्रॉपर्टी देखा था हमने, ये 3 सामने, लॉग 2 बाई लॉग 2, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉगरिथम इक्वेशंस पे आते हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो चलो अब तक हम लोग बेसिक ही देख रहे हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जब भी सॉल्व करना हो एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम ठीक है जैसे डिफाइन किया था ना, लॉग को डिफाइन कैसे किए थे, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए, अगर ऐसा देखा लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन क्या था कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये सारी कंडीशन थी हमारी यहाँ। तो जब भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ये कंडीशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, समझते हैं।
तो यहाँ पे देखो बेस तीनों में थ्री, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, तो बेस तो फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे फोर है, ठीक है, अभी लोड नहीं। ठीक, यहाँ देखो एक्स प्लस टू है, यहाँ क्या है लॉग के अंदर ही क्वांटिटी एक्स है ना, लॉग के अंदर ही क्वांटिटी क्या एक्स है, लॉग के अंदर की जो भी क्वांटिटी होगी वो कैसी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन था हमारा। तो अभी लॉग के अंदर क्या है एक्स प्लस टू है, तो यहाँ से समझ में आया कि एक्स प्लस टू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, ये पहला कंडीशन आया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, लॉग तभी डिफाइन है जब लॉग के अंदर ही क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली लॉग के अंदर ही क्वांटिटी ये भी है, लॉग में डिफाइन किया है टू एक्स माइनस थ्री, तो टू एक्स माइनस थ्री भी कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या है एक्स ग्रेटर देन थ्री बाई टू, ये दूसरा कंडीशन आ गया हमारा। ठीक है, और ये फोर तो ग्रेटर है ही, तो इसको अगर लिखने का जरूरत है नहीं, है ना। यहाँ तक क्लियर है चीजें, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं अब जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा होगा। देखो यहाँ पे देखो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन लिख सकता हूँ क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ लॉग फोर, है ना, लॉग बेस थ्री है फोर, ठीक है, इनटू एक्स प्लस टू, ऐसे लिख सकता हूँ मैं लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन लिख सकता हूँ बेस सेम। अभी समझो ये भी बेस सेम है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन लिख सकते हैं, तो ये बाई में आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या है इक्वल टू टू। अब अपने को पता है प्रॉपर्टी है ना, ये थ्री कैसा है इधर जाएगा तो थ्री स्क्वायर नाइन हो जाएगा, और इधर क्या फोर एक्स और फोर इंटू टू एट, ये टू एक्स माइनस थ्री, इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा, ये देखते हैं फोर एक्स प्लस एट इक्वल टू नाइन टू द 18x माइनस नाइन थ्री द 27। ठीक है, अब क्या रखा है हमारे पास फोर एक्स प्लस एट इक्वल टू 18x माइनस 27, ये तो 18x, ये 4x इधर चला गया तो क्या हो गया 14x, और ये माइनस 27 इधर चला गया, 8 प्लस 27 है ना, कितना आएगा 35। तो बस x की वैल्यू है ना 7 से डिवाइड जा रही है, ये है ना 7 टू द 14, 7 5 का 35, तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 5 बाई टू। ठीक है, देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं, है ना। देखो अभी कंडीशन क्या दिया था, ये सेटिस्फाई होना जरूरी है ग्रेटर देन माइनस टू, तो माइनस टू से तो बड़ी है, ठीक है, और थ्री बाई टू मतलब 1.5 से ही बड़ी है ये 5 बाई टू, ना क्लियर है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये हमारा आंसर हो गया, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ये हमारा आंसर नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, ये जो भी कंडीशन हम लिए हैं, है ना, ठीक है, ये दोनों पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ये जो दोनों जो हम लिए हैं, ठीक है, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 बाई टू के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, हमें एक्स निकालना है, ये बेस पहले मैं सेम कर सकता हूँ क्या, यहाँ देखो थ्री है बेस थ्री है, यहाँ भी बेस थ्री में कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ देखते हैं, इसको थ्री रेस टू पावर माइनस वन लिख सकता हूँ क्या, है ना, 1/3 को, और फिर लॉग थ्री रेस टू पावर माइनस वन है तो माइनस बाहर आ जाएगा क्या लॉग, ठीक है, एक्स बेस थ्री, और ये माइनस को मैं ऊपर भेज सकता हूँ लॉग एक्स रेस टू पावर माइनस वन, ऐसा हो गया। देखो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, मतलब मैं सीधे अंदर की जो वैल्यू है सीधे कंपेयर कर सकता हूँ, तो 5x माइनस 4 इक्वल टू क्या x रेस टू पावर माइनस 1 मतलब 1/x, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, इक्वल टू 1 होगा, उसको मैं इधर लेके आता हूँ लेफ्ट साइड, तो ऐसा आ गया। इसको ब्रेक करना आता होगा आप लोगों को, तो क्या 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 5x x माइनस 1 प्लस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की क्या क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है, 1 और माइनस 1/5, है ना। ठीक है, लेकिन अभी समझो मैंने क्या बता रखा था, लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है ये क्या है, लॉग के अंदर क्वांटिटी x है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, x ग्रेटर देन 0 बोलना चाह रहा है ये, ठीक है, ये पहला कंडीशन। ये क्या बोलना चाह रहा है, 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 4/5, ये दूसरा कंडीशन, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो अपने पास क्या है, x की वैल्यू 1 और 1/5 आई है, ठीक है, माइनस 1/5 आई है, ठीक है, तो माइनस 1/5 ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो माइनस 1/5 आंसर नहीं होगा,
लेकिन x इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो x इक्वल टू वन ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये लॉग के अंदर ठीक है जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, ये हमारा कंडीशन है, तो वो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो x इक्वल टू वन में ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए x इक्वल टू वन ही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो जैसे ही क्वेश्चन मिलता है पहले ही आप ये कंडीशन लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x, ठीक है, log x plus 5 base 4 equal to log x plus 3 base 2। देखते हैं यहाँ भी मैं बेस सेम कर सकता हूँ क्या, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बेस 4 है उसको मैं 2 स्क्वायर कर सकता हूँ x plus 5, ये 2 बाहर आ जाएगा 1 by 2 बनेगा, 1 by 2 log x plus 5 base 2 equal to log of x plus 3 base 2, ये 2 मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, log x plus 5 base 2 equal to 2 log of x plus 3 base 2, ऐसा हो गया। ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट बाहर, ठीक है, बाहर आ गया मतलब ये इधर पावर में था होगा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, x plus 3 whole square base 2 और यहाँ पे log x plus 5 base 2। ठीक है, ओके, इसको बेस सेम हो गया, मतलब ये अंदर की क्वांटिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ। क्या आया था हमारे पास, log of 2x plus 5 equal to log of 2x plus 3 whole square। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहले क्या देखना जरूरी है, log के अंदर की जो भी क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मैंने बता रखा है आपको। तो x plus 5 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या मिला, x ग्रेटर देन माइनस 5, ये पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्या, x plus 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो x ग्रेटर देन माइनस 3, ये दूसरा कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गई हमारी बातें, आगे अब क्या है, log बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो मैं सीधे कंपेयर कर सकता हूँ। तो x plus 5 equal to x plus 3 होल स्क्वायर, ओपन करते हैं इसको, x plus 5 equal to x square plus 6x plus 9, ठीक है, x square plus 5x, 5 इधर गया तो 4 equal to 0, ब्रेक कर लेते हैं इसको, x square plus 4x plus x plus 4 equal to 0, क्या आ रहा है, x x plus 4 plus 1 x plus 4 equal to 0, तो यहाँ से क्या क्या सॉल्यूशन मिला, x equal to minus 4 और minus 1, ठीक है, देखते हैं ये दोनों पॉसिबल है कि नहीं। अगर x equal to minus 4 लेता हूँ, minus 5 से तो बड़ी है लेकिन minus 3 से बड़ी है क्या, नहीं, तो x equal to minus 4 नहीं ले सकता, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन x equal to minus 1 ले रहा हूँ तो minus 5 से ही बड़ी है और minus 3 से ही बड़ी है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो गया, x equal to minus 1, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेवंथ क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कह रहे हैं, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू भी निकाल दी है इसमें, देखो log, ठीक है, ये क्वांटिटी तो log में है ही, ये बाहर भी एक log है ना, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है समझते हैं, तो बाहर से सॉल्व किया करना शुरू किया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले ये log के अंदर है ना, इस log के अंदर क्या क्वांटिटी, ये, ठीक है, ये क्वांटिटी है अंदर में log के, ठीक है, तो ये कैसी होनी, log के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो 5 प्लस log, 5 प्लस 4 log x माइनस 1 बेस 3, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है, सॉल्व करेंगे जो भी है। दूसरा कंडीशन क्या है, log के अंदर ये क्वांटिटी भी तो है x माइनस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ये भी होना चाहिए, तो यहाँ से क्या है, x ग्रेटर देन 1 आया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ की चीजें। अब log को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, बाहर जो है log उससे सॉल्व करेंगे, ये 3 किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये जो भी है उसके पावर में आ जाएगा, तो क्या है, 5 प्लस 4 log x माइनस 1 बेस 3 इक्वल टू, ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर मतलब 9, देखो ये वैल्यू कैसी है, 9 के इक्वल है, 9 के इक्वल है तो ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी हो, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत है क्या, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड ऑलरेडी है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी इस कंडीशन को ले चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, 9 के इक्वल कर रहा हूँ, मतलब 0 से बड़ी तो मैं लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है, चलो, मतलब हमको सिर्फ इसको सॉल्व करने की जरूरत है और इससे मैच करने की जरूरत है। ठीक है, सॉल्व करते हैं,
4 log x माइनस 1 बेस 3 इक्वल टू, ये 5 को मैं राइट तरफ लेके चला गया, 9 माइनस 5 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, ये 4 और 4 कैंसिल, इधर 1 बचा, तो ये 3 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 3 रेड टू पावर 1, तो x इक्वल टू कितना आया 4, और यहाँ क्या ग्रेटर देन 1, बिल्कुल x इक्वल टू को ग्रेटर देन 1 तो है ही, तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं है ना, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, लॉग बेस ऑफ ई, ठीक है, एक चीज में बताया भूल गया लॉग, ठीक है जनरली, ठीक है हम दो चीज लेते हैं लॉग में, ठीक है बेस तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेस 10 लेते हैं, स्टैंडर्ड होता है ना, ठीक है जनरली स्टैंडर्ड लिया जाता है, और एक ठीक है एक बेस में ई लिया जाता है, ई मतलब ये नेचुरल लॉग कहलाता है, ठीक है ई बेसिकली क्या है, नेपियर कॉन्स्टेंट है, ठीक है ई क्या है, नेपियर कॉन्स्टेंट है, ठीक है जॉन नेपियर ने दिया था, तो ठीक है उनके, ठीक है उनके नाम के रूप में इसको लिया गया। चलिए ध्यान देते हैं, अभी तो ये क्वेश्चन ध्यान देते हैं, ठीक है तो इसको लॉग बेस ई है, तो इसको एल एन भी पढ़ते हैं ना, नेचुरल लॉग बोला जाता है, तो क्या दिया है जनरली कंडीशन क्या दिया है, एल एन ठीक है ए प्लस बी बाई टू हाफ, ठीक है ये लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई है तो इसको एल एन ए एल एन बी बोला जा सकता है, तो एल एन ए प्लस एल एन बी, ठीक है लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है, तो हाफ ए बी ऐसा बोल सकता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है हाफ एल एन ए बी, ठीक है ये टू है ना, ये टू करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी बाई टू, ये टू अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे टू आ जाएगा, ये टू इधर पावर में चला जाएगा ना, तो क्या बन गया बेसिकली एल एन ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू एल एन ए बी, ऐसा हो गया। ठीक है ये बेसिकली अपने अभी कंडीशन दिया है ना, और पूछ रहा है ए और बी में क्या रिलेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे हमें कंडीशन मिल जाएगा। देखो अब है ना एल एन है, एल एन इधर भी एल एन है, मतलब नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग मतलब बेस सेम है ना, बेस सेम है तो मैं सीधे कंपेयर कर सकता हूँ अंदर ही क्वांटिटी में। ठीक है तो कंपेयर कर लेते हैं क्या आ रहा है देखते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये नीचे 4 बना, मैं इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 4 ए बी हो गया, तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 4 ए बी इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है माइनस 2 ए बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ये कब पॉसिबल है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 जब ए बी के इक्वल हो जाए, तो हमारा कंडीशन कौन सा आ गया ए इक्वल टू बी, हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है इफ a इक्वल टू लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 ठीक है लॉग बेस 4 256 प्लस 2 लॉग 2 बेस रूट 2 है, यहां a की वैल्यू पूछा है, ये कंडीशन दिया हुआ है a की क्या वैल्यू होगी। ठीक है तो यहां से सॉल्व करते हैं, 256 जनरली अपने को पता है ना, इस क्वांटिटी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है लॉग 256 बेस 4, 256 जनरली क्या होता है 16 का स्क्वायर सबको पता होगा, ठीक है 16 का स्क्वायर है ये क्या होता है 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या है 256 को मैं 4 रेज टू पावर 4 बोल सकता हूँ, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी लॉग 4 ये 4 रेज टू पावर 4 और ये 4 सामने चला गया तो क्या हो गया 4 लॉग 4 बेस 4, और मैंने एक प्रॉपर्टी बता रखा है लॉग ए बेस ए होता है, तो ये कैसी वैल्यू होती है 1, 4 इंटू 1 क्या 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 4 आ गई है ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू तो 4 आ गई, तो अब क्या रह गया है, अब क्या रहेगा लॉग 4 बेस 2 रह गया है, ठीक है इसके साथ मिला के चल रहा है ना लॉग 4 बेस 2, इसको क्या ले सकते हैं लॉग बेस 2 2 है 4 को 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 2 सामने आ गया ये भी 1 हो गया, तो अब क्या हो गया 2, तो क्या रह गया है इसके साथ है ना, इसके साथ मिलके ये पूरा क्या आ गया 2 आ गया, तो log 2 ठीक है बेस 2 अब क्या बन गया log 2 बेस 2 ये क्या होता है 1, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या दे दिया, ये पूरा क्वांटिटी अपने को यहाँ तक है ना, ये पूरा क्वांटिटी क्या दे दिया, ये पूरा क्वांटिटी तो अपने को 1 दे दिया। आई होप आपको नजर आ गया होगा, ठीक है ये क्या है समझते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं
रूट टू की डिग्री क्या रखूं कि टू है, तो रूट टू की डिग्री क्या रखूं, टू रखूंगा, ऑब्वियस बात है रूट टू का स्क्वायर रखूंगा, ठीक है, मतलब लॉग टू बेस रूट टू, ये कितना दिया, टू दिया है, ठीक है ना, तो टू इंटू टू फोर, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, ये पहले क्वांटिटी की वैल्यू वन आ गई, फिर टू और लॉग टू बेस रूट टू की वैल्यू, तो टू, तो ये वैल्यू टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव, तो ए की वैल्यू कितनी है, फाइव, ये हमारा आंसर है, वो आपको चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लॉग सेवन लॉग बेस सेवन लॉग बेस फाइव, ये बेसिकली अंदर है ना, ठीक है, कभी भी ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे, लॉग के अंदर ही क्वांटिटी, लॉग के अंदर ही क्वांटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस एक्स है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, होनी चाहिए, ऐसे भी अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होती है ना, इसको ऐसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं, जब ये लॉग की क्वांटिटी आएगी सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सेवन है ना बाहर से, तो सेवन जाएगा इधर है ना, सेवन रेज टू पावर जीरो क्या आएगा, लॉग ये तो बेस फाइव में है ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है, और इधर ये सेवन रेज टू पावर जीरो क्या हो गया, वन, ठीक है, अब फिर अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, देखो ये लॉग के अंदर क्वांटिटी ये वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू वन के इक्वल हो गई, देखो तो ऑलरेडी बड़ी ही है, इसी से बात अगर ये क्वांटिटी बड़ी आ गई है, मतलब ग्रेटर देन अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी बड़ी ही है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर से आप फाइव इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू फाइव रेज टू पावर वन, फाइव आ गया, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर किया तो ये 25 हो गया, इक्वेशन क्या बना हमारा, इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू जीरो, ये क्या क्या आएगा, एक्स एक्स प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या क्या क्वांटिटी आया, क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक्स इक्वल टू माइनस 5 और 4 आ रही है, तो माइनस 5 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया 4, तो ये x इक्वल टू 4 हमारा आंसर है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है, ये भी अगर प्रॉब्लम है आप एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन है देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू लॉग a बेस b, y इक्वल टू लॉग b बेस c एंड z इक्वल टू लॉग c बेस a, देन x y z, ठीक है, तो x इनटू y इनटू z अपने से पूछा है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए बेस बी है तो लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है, y क्या दिया है, क्या दिया है, लॉग बी बेस सी, तो लॉग बी बाई लॉग सी लिख सकता हूँ उसको, ठीक है, और जेड क्या दिया है, लॉग सी बेस ए, तो उसको लॉग सी बाई लॉग ए लिख सकता हूँ, तो लॉग बी कैंसिल हो गया, लॉग सी कैंसिल हो गया, और लॉग ए और लॉग ए भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, वन, तो आंसर हमारा क्या है, वन, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, हमने काफी चीजें डिस्कस कर रखी है ना, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें ऑलरेडी इसलिए डिस्कस किया था ताकि आपको लॉग की चीजें समझ में आए, आप रिलेट कर पाओ काफी चीजें, ठीक है, अभी काफी कुछ इसमें डिस्कस करना बचा है, इसमें इनइक्वालिटीज भी होती है लॉग की, है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे कंटेंट मैं लेके आता रहूंगा, है ना, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।